नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल भारत सम्बन्ध, यसका सम्भावना, चुनौती र अप्ठ्याराको बारेमा विशेष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध एकदम राम्रो छ, प्रगाढ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो कार्यकालमा 4 पटक नेपाल आउनुभयो र उहाँले नेपालको विकास र समृद्धिको बारेमा पनि निकै चासो देखाउनु भयो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी भोलिबाट सुरु हुने एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी आजको कार्यक्रममा समग्र रूपमा नेपाल भारत सम्बन्ध, इपिजीको प्रतिवेदन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केमिस्ट्रीको बारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता र नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार विजय जोली। विजय जोलीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ठिक है सम्बन्ध? आपका हेल्थ भी ठिक है, सम्बन्ध भी ठिक है नेपाल भारत सम्बन्ध में? आप बताइए आज क्या है अभी का परिस्थिति नेपाल भारत सम्बन्ध में? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और आपके अनेक वर्षों की मेहनत को सलाम भी करना चाहता हूँ। ऋषि धमाला ने भारत और नेपाल के संबंधों को एक पत्रकार के नाते, एक रिपोर्टर के नाते, एक नेपाली जर्नलिस्ट के नाते ना केवल नेपाल में अपितु नेपाल और भारत के संबंधों को एक नया आयाम दिया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं आपको एक चीज कह दूं, अगर किसी को यह जानकारी नहीं हो कि मैं कौन हूं, तो मैं नेपाली लगूंगा और आप हिंदुस्तानी लगोगे। कैसे विजय जोली जी, जस्टिफाइड करिए आज। क्योंकि नेपाल और भारत के सांस्कृतिक संबंध हैं, रोटी और बेटी के संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं। और मैं सबसे पहले नेपाल में प्लेन से उतरने के बाद नेपाल की धरती को छूता हूं और उस माटी को अपने माथे पर लगाकर, अपने गले पर लगाता हूं और प्रणाम करता हूं और ये मानकर चलता हूं। आदर क्या है आप नेपाल के भूमि में आकर पहले जमीन को छूकर सैल्यूट करता है, इसका कारण क्यों, क्या ये रहस्य बता दीजिए आज नेपाली जनता को। ये पशुपति नाथ की धरती है, ये देवताओं का देश है और आप जो देवताओं के देश में जन्मे हैं, उस नेपाल को और उन नेपालियों को दुनिया मानती है, प्यार करती है। विजय जौली भी नेपालियों को प्यार करता है। नेपाल भारत संबंध में ईपीजी का रिपोर्ट माइलस्टोन है, लेकिन आपने क्यों विरोध किया, क्यों अस्वीकार किया रिपोर्टर्स क्लब में आज? देखिए, एमिनेंट पीपल्स ग्रुप, भारत सरकार और नेपाल सरकार ने कुछ गिने चुने एमिनेंट पीपल को, उन शख्सियतों को नेपाल और भारत के संबंधों को नए आयाम, नए युग और नए जनरेशन की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर पिछले दशक की भावनाओं को नए दशक की भावनाओं के साथ सम्मिश्रण करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए अधिकृत किया था। मेरी आशा थी वो रिपोर्ट बनाने वाले डिप्लोमैट्स, राजनीतिज्ञ, एकेडमिशियंस बंद कमरों में थ्योरी में बैठकर रिपोर्ट नहीं बनाते। कैसे बनाना चाहिए रिपोर्ट? वो पत्रकारों से बात करते, वो नई जनरेशन की पीढ़ी से बात करते, वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों से बात करते, वो राजनीतिज्ञों से बात करते, वो शिक्षाविद से बात करते,
वो व्यापारिक क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयां और उनसे रूबरू होने वाले लोगों से बात करते, वो राह चलते हुए राहगीरों से बात करते, वो यूपी बिहार और नेपाल और भारत की सीमा के लोगों से बात करते, वो काठमांडू और नई दिल्ली के सूटेड बूटेड लोगों से बात नहीं करते, वो दोनों देशों के अंदर जो संबंधों को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होते उनकी फीडबैक लेकर और फिर रिपोर्ट को कंपाइल करते। और मुझे आप दिल पर हाथ रख के बता दो, आप नेपाल में जन्मे और नेपाल के विशिष्ट पत्रकारों, क्या आपसे एमिनेंट ग्रुप के किसी भी व्यक्ति ने आपकी राय जानने की कोशिश की? कोशिश नहीं की, इसमें आपसे कोशिश नहीं हुई, लेकिन और मेरे से कोशिश नहीं हुई। मैं पिछले 18 वर्षों से नेपाल के अंदर आता हूं, जाता हूं, मिलता हूं, संवाद करता हूं, और नेपाल के हर एक घटनाक्रम से, नेपाल की हर एक धड़कन से मेरा पहला वास्ता है। अगर मेरे से बात नहीं हुई, अगर आपसे बात नहीं हुई, आपके दोस्त से बात नहीं हुई, मेरे दोस्त से बात नहीं हुई, तो किससे बात हुई? इसलिए मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन मैंने अपने मन की भावना को जो व्यक्त किया। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल में आपने कहा है कि इसका जो है स्पीड है इंडिया नेपाल रिलेशन में, ये समाधान का, देखिए मेरा मानना है एमिनेंट पीपल्स ग्रुप जिन उद्देश्यों को लेकर नेपाल सरकार और भारत सरकार ने बनाया था, उन उद्देश्यों के ऊपर वो खरा नहीं उतरा। और आज 2 वर्ष या 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो अगर ग्रुप जमीनी स्तर की हकीकतों का समावेश करकर फीडबैक्स लेने में नाकाम साबित हुआ है, तो मुझे इसको स्वीकार करने में और उनको आईना दिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको तो मालूम है इसमें तो भीष्मबहादुर थापा है, भगत सिंह कोश्यारी जैसे दिग्गज आदमी है, नेपाल भारत संबंध का एक जानकार भी है ईपीजी में। तो अगर मेरा पिता भी अगर उस ईपीजी में होगा और वो यथार्थ से दूर होगा, तो मैं उनको भी शीशा दिखाने से बाज नहीं आऊंगा। ये 21वीं सदी है, ये 18वीं सदी नहीं है। इसमें आपका घर का बेटा भी बाप से वाद विवाद करता है, वाद विवाद तथ्यों के आधार पर करता है। और भारत और नेपाल के संबंधों के क्या आयाम अगले 50 वर्षों तक होंगे, उन आयामों को तय करने के लिए सभी समुदायों का फीडबैक लेना उसका दायित्व इस ईपीजी, लेकिन ईपीजी का प्रतिवेदन नेपाल भारत संबंध के लिए माइलस्टोन है। भगत सिंह कोश्यारी मुझे बताया है, भीष्मबहादुर थापा ने यही शो में आकर बताया, ऋषि धमाला जी नेपाल इंडिया रिलेशन आइस ब्रेक अभी आगामी दिन में होगा ये रिपोर्ट के कारण से। देखिए रिपोर्ट किसी भी एसी के कमरे में बैठ के बन जाए और जो प्लेयर्स हों जिनके जीवन के ऊपर आयामों के ऊपर उस रिपोर्ट का दारोमदार हो, अगर उन ग्राउंड लेवल के लोगों से विचार विमर्श नहीं हो, तो वो रिपोर्ट कितनी कारगर होगी, कितनी इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूं। और मैं आपके इस शो के अंदर अस्वीकार किया, इसका मतलब क्या है बता दीजिए नेपाली जनता को। आज मेरा ये मानना है 18 वर्ष तक नेपाल के घटनाक्रम में सरकार किसी की भी हो, मेरा नेपाल में और नेपाल की जनता के साथ सतत संबंध रहा है। और अगर ईपीजी के मेंबर्स के पास 5 मिनट का भी समय विजय जॉली से बात करने का, नेपाल और भारत के संबंधों को प्रगढ़ बनाने का नहीं है, अगर उनके पास नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमाला या नेपाल के पत्रकार जगत से बात करने का समय नहीं है, अगर नेपाल के शिक्षा विदों, वाइस चांसलर, नेपाल के राजनीतिक परिपेक्ष के लोग नेपाल के अंदर राजनीति और राजनेकों के साथ
उनके पास समय नहीं है बात करने का। अगर उनके पास समय नेपाल के दूर दराज इलाके जो भारत और नेपाल की सीमा के ऊपर किन प्रकार की प्रॉब्लम से रोज रूबरू हो रहे हैं उनके समाधान के लिए समय लेकिन नहीं रिपोर्ट है। के कारण नेपाल भारत संबंध दीर्घकालीन समाधान के दिशा में उन्मुख हो रहा है ना। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं है और मैं किस लिए सहमत नहीं हूं मैंने बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। बताइए आज अगर यथार्थ के ऊपर जनता का सामू है अगर यथार्थ के ऊपर कोई रिपोर्ट बिना राइट फीडबैक लिए हुए तैयार नहीं होती है तो वो रिपोर्ट एक टुकड़े के समान है, कागज के टुकड़े के समान है जिसको एक बंद कमरे में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने उस रिपोर्ट को बना दिया। लेकिन आपको ईपीजी को सदस्य नहीं बनाने से आप असंतुष्ट है, इसमें सत्यता कितना है? मैं किसी ईपीजी की कमेटी का सदस्य बनने का मोहताज नहीं हूं। मैं आज भी एक साधारण भारत का नागरिक होने नहीं, के आप डायनामिक लीडर है भारत का। मुझे मालूम है आपका पहुंच और रिलेशन और कनेक्शन सब लीडर के साथ है भारत में। आज आपके शो में आपका जो जितना संबंध है ना मुझे मालूम है। मैं आपकी इस बात का लिए आपको सलाम करता हूं। आप मुझे इंपॉर्टेंट समझते होंगे लेकिन मैं वास्तव में बहुत ही सिंपल प्रवृत्ति का, काम करने की प्रवृत्ति का, एक हाइपर एक्टिव व्यक्तित्व का मालिक हूं। ना मैं बैठता हूं ना बैठने देता हूं, ना झूठ बोलता हूं ना झूठ को सहन करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई मुझसे जबरदस्ती कुछ कहलाना चाहता है तो मैं उसका भी पक्षधर नहीं रहता हूं। मेरे लिए करेक्टर्स मीनिंगलेस हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिन रात नेपाल की चिंता करते हैं, पहला प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में 70 साल के बाद जो पिछले 4.5 साल में 4 बार नेपाल की यात्रा पर आया, सोचिए उस प्रधानमंत्री के मन में, दिल में नेपाल के प्रति कितना प्यार और असीम नेपाल को विकास की राह पर लेके जाने के लिए दिन रात टीस होगी। और उस टीस को, उस विचार को अगर एमिनेंट पीपल्स का ग्रुप कार्यान्वित नहीं कर सके क्योंकि वो संबंधित प्लेयर्स का फीडबैक नहीं ले सके, मुझे इससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अब तक आज का जो समय है ना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं लिया बता दीजिए नेपाली जनता को। 5 महीना हो गए। अगर आप ये प्रश्न ईपीजी के सदस्यों से करें तो वो बेहतर हो। नहीं नहीं, आपका प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा संबंध है ना। मैं इस वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैंने आज आपको आज बता दीजिए आपके प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, सीधी बात बता दीजिए नेपाली जनता को। कि सम्मानित सदस्यों को आप एड्रेस करें तो वो बेटर होगा। मैं इसके ऊपर इससे अधिक टीका टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूं क्योंकि मेरा मानना है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी नेपाल के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपाल को प्रगति के पथ पर लेके जाना। पिछले 4.5 साल में 4 बार नेपाल की यात्राएं, 70 साल के इतिहास में पहला भारत का प्रधानमंत्री है जिसने नेपाल को बराबरी के आधार पर आगे लेकर जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को अपनी इन यात्राओं से दर्शाया है। लेकिन आपको मालूम है ना ईपीजी का रिपोर्ट नेपाल भारत संबंध के लिए एक दीर्घकालीन सूत्र है, उनको भारतीय प्रधानमंत्री ने आज तक क्यों नहीं लिया? 5 महीना हो गए, क्यों नहीं लिया? विजय जोली जी, मैं फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर आपके शब्दों में दूंगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अधिकृत रूप से ईपीजी के अंदर अपने सदस्यों को बनाया है। मैं फिर आपसे पूछूंगा ईपीजी की रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने स्वीकार करी? आप फिर कहेंगे
क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार करी? इसका मतलब ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर जिस प्रकार से ये रिपोर्ट बनी है या जिस प्रकार से ये रिपोर्ट कंपाइल हुई है, जिस प्रकार से इस रिपोर्ट के अंदर विभिन्न प्लेयर्स की सहभागिता होनी चाहिए थी, सहभागिता नहीं हुई है, इसके बारे में कुछ रिजर्वेशन। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट की रिपोर्ट से असंतुष्टि? मैं गवर्नमेंट के तंत्र का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैं उसके ऊपर अधिकृत टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन भारत के एक नागरिक के न होने के नाते अपनी व्यक्तिगत समझ के आधार पर जो मैं कह सकता था मैंने कह दिया। आप अगर इससे ज्यादा अपनी बात पर अडिग रहेंगे तो मैं किसी भी सूरत में ना तो भारत के को और ना नेपाल की सरकार को किन्हीं भी शब्दों में क्रिटिसाइज करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट को बनाने में जिन लोगों को अथॉरिटी दी गई थी मुझे लगता है उन्होंने उस अथॉरिटी का, उस अधिकार का जिस ढंग से उपयोग करना चाहिए था वो उपयोग नहीं किया है। इसके लिए ये रिपोर्ट नेपाल भारत संबंध में माइलस्टोन नहीं बनेगा। लेट द दीर्घकालीन समस्या का समाधान रिपोर्ट से नहीं होगा। सीमा का समस्या, 1950 का संधि का समस्या, जितना समस्या ये रिपोर्ट से समाधान नहीं होगा। लेट कम टू द ब्रिज, व्हेन वी विल कम टू द ब्रिज देन वी विल टॉक अबाउट क्रॉसिंग द ब्रिज। रिपोर्ट आने दीजिए, फिर रिपोर्ट के ऊपर तैयार हो गए, रिपोर्ट बन गया है, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके ऊपर हम वाद विवाद करेंगे। लेकिन रिपोर्ट के आने से पहले उसके ऊपर किसी भी प्रकार की टीका करेंगे कि नहीं करेंगे वो बता दीजिए ना, तो आज नेपाली जनता को कोट अनकोट बता दीजिए ना। तो मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं। जोली जी, केपी शर्मा ओली रा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केमिस्ट्री आज के समय में बहुत मिलकर जा रहा है ना, कैसे लग रहा है? देखिए, जो दो प्रधानमंत्रियों के संबंध होने चाहिए, दो देशों के, दो स्वतंत्र देशों के, भारत के प्रधानमंत्री जिनके समर्थन में भारत की 125 करोड़ जनता ने, और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिनके समर्थन में 3 करोड़ जनता ने अपना समर्थन देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो अपने अपने देशों की जनता की आंतरिक और भाइया आंतरिक नीति और विदेश नीति के चलते अच्छे ढंग से, व्यवहारिक ढंग से, मित्रवत ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश के संबंध के लिए मोदी ओली केमिस्ट्री आज के दिन में मिल रहा है, वो ठीक है ना? भारतीय बुद्धिजीवी, नेपाल का बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल फिगर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, सबने कहा है कि ऋषि धमाला जी, ओली और मोदी का पिछले दिनों में केमिस्ट्री मिला है और दोनों देश का जो आज का जो समस्या था वो दीर्घकालीन रूप से समाधान होना चाहिए, वो ठीक है, समाधान होगा। देखिए, जब दो नेता मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, टेबल के अक्रॉस बैठते हैं, डायलॉग करते हैं, संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। और अगर कहीं किसी विषय पे कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी होता है उसका भी समाधान होता है। मुझे लगता है आज के युग में हम दोनों पड़ोसी मुल्क भारत और नेपाल बराबरी के आधार पर, समझदारी के आधार पर एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे के शांति संबंधों के साथ आगे बढ़ने और बढ़ाने के पक्षधर हैं, भारत से मोदी जी के नेतृत्व में और नेपाल की तरफ से प्रधानमंत्री ओली जी के नेतृत्व में। दोनों देश परस्पर दोस्ती का पक्का हाथ
बढ़ाने में पक्षधर हैं। लेकिन नेपाल भारत संबंध में अभी क्या जो परिस्थिति है आपने बताया, बहुत सुमधुर और प्रगाढ़ संबंध है दोनों देश के बीच में, लेकिन विकास और समृद्धि नेपाली जनता का चाहना है। भारत दिल से नेपाल को समर्थन कर रहा है कि नहीं? अगर भारत दिल से समर्थन नहीं कर रहा होता तो चार बार मेरे प्रधानमंत्री नेपाल की पावन धरती पर नहीं आते। नेपाल की अलग अलग योजनाओं में भारत का सहयोग नहीं होता। अगर नेपाल शांतिप्रिय होगा, नेपाल अगर विकासशील होगा, अगर नेपाल में इंडस्ट्रीज खुलेंगी, अगर नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अगर नेपाल के अंदर मेट्रो आएगी, अगर नेपाल में हॉस्पिटल्स खुलेंगे, अगर नेपाल में नए कॉलेज बनेंगे, अगर नेपाल की सड़कों का विकास होगा, अगर नेपाल विकास के राह पर बढ़ेगा, अगर नेपाल के लड़के और लड़कियों को रोजगार के साधन मिलेंगे, अगर नेपाल के हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली का उत्पादन होगा और वो बिजली भारत को निर्यात होगी और भारत उस बिजली के आयात के रूप में नेपाल को राजस्व पैसा देगा, नेपाल का विकास होगा। नेपाल का विकास होगा, होना ही चाहिए। तो लाभ किसको होगा? पर नहीं है, पड़ोसी भारत को भी लाभ होगा, लेकिन नेपाल को भी लाभ होगा। जितना सहयोग करना था अभी तक नहीं किया है। आर्थिक रूप में आपसे हमने क्या ले लिया, आपसे हमने क्या खोस लिया? आपके यहां पर अगर 100 करोड़ रुपए का अस्पताल अगर भारत ने बनाया तो अपना पेट काटकर नेपाल के भाइयों और बहनों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाया और आप कहते हैं भारत ने क्या कर दिया? अपनी इस मानसिकता को सर्फ के साबुन से धोकर फिर आप किसी टीवी शो में आइए, क्योंकि आप नहीं, नहीं, नेपाल के लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं। गलत गलत आप गलत बात करते हैं। आप जैसे पत्रकार नेपाल के लोगों के दिमाग को खराब करते हैं। देखिए देखिए, दिल से समर्थन करना चाहिए। नेपाल को हम अपना बराबर का भाई मानते हैं। नेपाल को विकास आज का आवश्यकता। नेपाल को विकास के अंदर हम बराबर का भाई मानते हैं और आप हमेशा भारत को शक की नजर से देखते हैं। आप कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। बता दीजिए, भारत हमेशा नेपाल को बराबर का हिस्सेदार विकास में मानता है। कौन सा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा रहा जो अपने 4.5 साल के कार्यकाल में नेपाल में 4 बार आया? चाइना का प्रधानमंत्री क्या आया? अमेरिका का प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या नेपाल में आपके कितनी बार आया? भारत का प्रधानमंत्री आया। अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं आया, चीन का राष्ट्रपति भी नहीं आया, भारत का प्रधानमंत्री आया। और जब जब आया बड़े दिल से आया, जेब खोलकर आया, दिल खोलकर नेपाली जनता और नेपाली नेताओं को गले लगाया और बताया हम आपके भाई हैं। और भाई क्या करता है, बराबर का भाई क्या करता है? हाथ मिलाता है, गले लगाता है, जेब में से कुछ निकालता है, दूसरे भाई की जेब में डालता है, उसकी जेब में से निकालता नहीं है। हमने आपसे कुछ निकाला नहीं है। और आज 75 लाख नेपाली बहन और भाई भारत के अंदर हमारे बराबरी के हिस्सेदार विकास में है। आपको भारत आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता, आपको चाइना जाने के लिए वीजा लेना। आप चाइना 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 की बात करते हैं। नहीं नहीं, हमने चाइना की बात नहीं किया है। मेरा कहना है सिर्फ विजय जोली जी, आप हमारे भाई हैं। राजनीति में भारत का इंटरफेयर अभी है कि नहीं? नहीं है, ना कल था ना आज है ना कल है। लेकिन अगर कोई भी नेपाली भाई हमसे सलाह मशवरा करने के लिए हमारे पास आएगा तो क्या हम मुंह मोड़ देंगे? हम उसको बोलेंगे कि तुम हमसे सलाह लेने एक भाई के तौर पे हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें सलाह नहीं देंगे?
अगर आप हमसे सलाह भी लेंगे और फिर हम पे आरोप भी लगाएंगे कि आप नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करते हैं, ऐसा मत करो ऋषि धमाला जी, हम आपको अपना भाई मानते हैं और भाई के नाते अगर एक भाई दूसरे भाई के पास आके बात करता है तो उसको ये मत मानो। ऋषि धमाला जी बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा बोलिए, आपने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि नहीं संविधान जारी होने से पहले, लेकिन केपी ओली प्रधानमंत्री बन गए। देखिए विजय जॉली तो जनता के साथ जुड़ा हुआ, मैं अपने आप को नेता नहीं कहूंगा, जनता के साथ ग्रास रूट लेवल का कार्य करता है और जो मुझे जनता की आवाज मिली इसलिए मैंने ये जरूर कहा उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, मैंने अवश्य कहा जरूर कहा कि केपी शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए और ये जनता की आवाज है, चाहे उन्होंने बाद में बनने के बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेरी सरकार के खिलाफ अर्जी लगाई, लेकिन क्योंकि जनता की आवाज थी मैं झूठ कैसे बोल देता। मेरी पार्टी में भी कुछ लोगों को मेरा इस ढंग से बोलना ठीक नहीं लगा, लेकिन जो जनता की आवाज है एक कान से मैं जनता की एक आवाज से सुनूं और दूसरी कान से उस आवाज को अनसुना करके झूठ बोल दूं, विजय जॉली ये नहीं कर सकता। और 39-40 इयर्स के पॉलिटिकल इतिहास में मैंने तो सच बोलना अपने घर में सीखा है, अटल बिहारी वाजपेयी से सीखा, लाल कृष्ण अडवाणी जी से सीखा, राजनाथ सिंह से सीखा, नितिन गडकरी जी से सीखा और अब हाल फिलहाल में मैंने अमित शाह जी से सीखा और नरेंद्र मोदी जी से सीखा। जो सुनो उसको जरूर बोलो, सच अगर कड़वा भी हो उसको सहन करना भी सीखो। इसलिए मैं दुनिया भर में जा रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी के 4.5 साल बेमिसाल जिस ढंग से इस सरकार ने भारत को विकास की राह पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ रहेगा, सुमधुर रहेगा, उसमें हमें तो कोई शक नहीं आएगा, हमें तो कोई शक नहीं है, हमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है नेपाल को दुनिया प्यार करती है, भारत प्यार करता है, भारतीय प्यार करते हैं और विजय जॉली नेपाल के हर नेपाली भाई और बंधु को दिल से प्यार करता है। आप भी अपने आप को प्यार करना सीखो और हमारे प्यार में नहीं, कोई शक मत निकालो। संबंध आज के दिन में बहुत मजबूत है। मेरा आपके माध्यम से नेपाल की जनता से एक ही अनुरोध है, एक ही प्रार्थना है, एक नेपाल में प्रगति होना चाहिए। मेरी एक ही प्रार्थना है, दिगो विकास नेपाली जनता का चाहना है। मेरी एक ही प्रार्थना है, भारत कभी भी नेपाल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का पक्षधर नहीं है। पहले तो था, भारत के अंदर 75 लाख नेपाली बहन और भाई हमारे बराबरी के, आज से 5-10 वर्ष पहले नेपाल ने जितना समस्या भोगा था उसमें भारत का इंटरफेयर था। नेपाल के 75 लाख भाई और बहन जो भारत में हमारे बराबरी के सहयोगी हैं, बिना वीजा के हैं, हमारे अपने भाई और बहन हैं, भारत के विकास में उनका बहुत योगदान है। और याद रखिए जो गोरखा रेजिमेंट भारत में है और जो गोरखा रेजिमेंट ब्रिटेन में है उसने नेपाल को जो एक विश्वव्यापी एक इमेज दिया है उसके लिए मैं आपको सलाम करता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप हिंदूवादी लीडर है, सही है, बीजेपी का बॉटम लाइन वही है, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप नया सूत्र लेकर आए कि नहीं, अभी बता दीजिए नेपाली जनता को। देखिए मैं हिंदू हूं, हिंदू परिवार में जन्मा हूं और मुझे विजय जॉली को अपने हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन भारत अभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेकुलर राष्ट्र है। और नेपाल जहां पर आज भी 90% लोग हिंदू मूल के हैं, भारत में 78% हिंदू हैं, नेपाल में 90% लोग
हिंदू मूल के हैं। नेपाल के अंदर जब हिंदू राष्ट्र का नॉन क्लेमेचर बिना किसी मत के सेक्युलरिज्म में कुछ वर्ष पूर्व बदला, मुझे भी उसकी टीस महसूस हुई। और आज भी जो हमें रिपोर्ट्स आती हैं, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है जो नेपाल के अंदर सतत रूप से रेगुलर गरीब नेपालियों का धर्मांतरण चल रहा है, ये सबसे बड़ा कंसर्न एक पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते भारत को है। और जो जो नेपाल के लीडर, अभी नेपाल तो सेकुलर राष्ट्र है ना, जो भी नेपाल के लीडर आते रहे, जोली उन्होंने हमसे ये माना कि नेपाल के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है वो उनके लिए कंसर्न का विषय है। लेकिन आज नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा या नहीं होगा, लेकिन भारत के बॉटम लाइन नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं, नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा या नहीं होगा, आपका क्या चाहना है बता दीजिए नेपाली जनता, ये नेपाल की जनता को स्वयं तय करना है। अगर हम इसमें भारत का इंटरफेयर नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, अगर हम कुछ कहेंगे तो बता दीजिए नेपाली जनता को, विजय जोली जी माना जाएगा। लेकिन विजय जॉली को अपने हिंदू होने पर गर्व है, और अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के लिए अपना मत डेमोक्रेटिक ढंग से व्यक्त करता है तो भारत में रहने वाले एक हिंदू नागरिक विजय जॉली को करोड़ों भारतीयों के अनुसार खुशी होगी। लेकिन इसका निर्णय नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नेपाल की जनता को तय करना है। मेरा निर्णय, मेरा वक्तव्य उनके निर्णय और उनके मत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कल से काठमांडू में शुरू हो रहा है, आपको मालूम है ना, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन समिट, उसमें धर्मगुरु का भी सहभागिता है, क्रिश्चियनिटी को धर्म को बढ़ावा देने के लिए वो समिट हो रहा है, आपका इसमें सहमत है कि नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के समय में ये जो एशिया समिट नेपाल 2018 काठमांडू में आयोजित हो रहा है, जिसमें 45 देशों से 1500 इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिसमें 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 350 से 400 के करीब सांसद सदस्य आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, 10 पार्लियामेंट्स के स्पीकर आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स कई देशों के आ रहे हैं, और कई धर्मों के धार्मिक नेता भी इसके अंदर आ रहे हैं, हिंदू नेता भी आ रहे हैं, मुस्लिम नेता भी आ रहे हैं, जैनी भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन नेता भी आ रहा है ना, क्रिश्चियन नेता भी आ रहे हैं। तो इसलिए इस सम्मेलन को अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर नेपाल मानकर चलिए, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये समिट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, मुख्य एजेंडा समिट में बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं आपके इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। भारत से भारत जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्याम जाजू, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर नरेंद्र चावला, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की एक विमेन लीडर शोभा उपाध्याय, जैन धर्म के सबसे बड़े जैन गुरु आचार्य जैन मुनि, मुस्लिम लीडर मौलाना एलआईसी साहब, इस्कॉन टेम्पर के बहुत बड़े स्वामी स्वयं यहां पर उपस्थित हैं, हरिद्वार के स्वामी ज्ञानानंद जी का यहां पर आना, और मेरे जैसे हिंदू लीडर का इस सम्मेलन के साथ जुड़ना, मैं तो आईकैप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, और ऐसी कोई भी आयोजन या संस्था में बहुत किस्म के बॉस शुरू हो रहा है। पहले मेरी बात मालूम है ना, मुझे मेरी बात तो समाप्त करनी है, इस बारे में जनमत अभी आ रहा है ना, मेरी बात तो समाप्त करनी पश्चिम में है, मेरी बात तो समाप्त करने दीजिए, मुझे बताइए
अगर ऐसा कोई आयोजन जो किसी धर्म विशेष को प्रोपोगेट करने के लिए आयोजन होगा, उससे इतने एमिनेंट लोग नहीं जुड़ेंगे। इसलिए मैंने 4 दिन पहले आयोजित यहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, नेपाल की दलगत राजनीति को इस सम्मेलन से दूर रखो और इस सम्मेलन को, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, अ गेटवे फॉर नेपाल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म, नेपाल को से दुनिया भर नेपाल से हाथ मिलाने को इच्छुक है, किस लिए इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हो? इसका किसी क्रिश्चियनिटी से कोई संबंध नहीं है, क्रिश्चियन धर्म से कोई संबंध नहीं है इस समिट में। और इस प्रकार के एलिगेशंस लगाकर नेपाल के राजनीतिक पृष्ठभूमि में इसको दलगत राजनीति का बनाकर कंट्रोवर्सी जो लोग बना रहे हैं, वो नेपाल के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। विजय ज्वली जी, भाजपा हिंदुस्तान में कट्टर हिंदुवादी पार्टी के रूप में आज भी है जनता के बीच में। हम कट्टरवादी नहीं है, हिंदुओं को, हिंदू कभी भी कट्टरवादी नहीं हुआ, इस कार्यक्रम में हमेशा उधारवादी हुआ है। आप पहले अपनी पहले आप अपने भाषा को ठीक करिए। हिंदू कभी भी कट्टरवादी नहीं होता है, हिंदू उधारवादी रहा है। हिंदू ने कभी नहीं कहा है कि अगर आप मेरे मत से सहमत नहीं है तो आपका गर्दन कलाम कर दिया जाए। हिंदू कहता है अगर मैं हिंदू हूं और आप हिंदू नहीं है तो मैं आपको। नेपाल में मेजर पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टिकोण भी विभाजित है। आज कांग्रेस ने बताया अभी भी यही कार्यक्रम में, कांग्रेस का लीडर मीन विश्वकर्मा ने कहा है कि ये कार्यक्रम में हम कल सहभागी नहीं हो रहा है, नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने बताया। अब क्या होगा? हम अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स होकर नेपाल के अंदर नेपाल को एम्पावर करने के लिए आए हैं, इसलिए हम नेपाल के आंतरिक घटनाक्रम का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए हैं। नेपाल के आंतरिक घटनाक्रम में जिसने जिससे लड़ना है वो लड़ता रहे। वी आर नॉट अ पार्टी टू दोज इंटरनल फाइट्स। हम नेपाल को एम्पावर करने आए हैं, हम नेपाल की पॉलिटी और नेपाल के जनता को एक नया मैसेज देने आए हैं, अ मैसेज ऑफ गुडविल, अ मैसेज ऑफ ग्लोबल ब्रदरहुड, अ मैसेज ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, अ मैसेज ऑफ गेटिंग द वर्ल्ड टूरिज्म टू नेपाल। और नेपाल का जो 2020 का वर्ल्ड टूरिज्म ईयर है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के लोग नेपाल की तरफ टूरिज्म और टूरिस्ट प्रमोशन के नाते आए। नेपाल की पावन धरती जो गुरुओं की धरती है, जो पशुपति नाथ की धरती है, उस धरती से किस प्रकार से ऐसी कोई आयोजन क्रिश्चियनिटी को आगे प्रमोट कर सकता है? जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाया भी है उनको अपने दिल पर हाथ रखकर सोचकर, प्रभु का, परमात्मा का, भगवान शिव का ध्यान करकर ये सोचना चाहिए। राजनीति को परे रखकर अच्छे आयोजन के बारे में अगर बुरी बात सोचोगे, आपका मन भी बुरा होगा, आपका तन भी बुरा होगा और उसका अंजाम भी आपके लिए बुरा होगा। मैं नहीं चाहता किसी का धर्म से आपका कोई सरोकार नहीं है। हम यहां पर किसी धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए नहीं आए हैं। मैंने कहा टेररिज्म के खात्मा हो, वर्ल्ड एनवायरमेंट पॉल्यूशन की समस्याओं के ऊपर यहां पर बात हो और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अगर 45 देशों के 1500 डेलीगेट्स नेपाल में आकर नेपाल को एम्पावर करना चाहते हैं और नेपाल को वर्ल्ड ग्लोबल मैप पर प्रमोट करने के इच्छुक हैं, तो उनको किस लिए यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनाते हो? प्लीज विजय ज्वाली जी, भारत से नेपाल का बहुत अच्छा संबंध है आज भी। आप बता दीजिए, आज नेपाल भारत संबंध में जो समय समय में इतना समस्या आता है, इनको दीर्घकालीन समाधान के लिए मोदी का सूत्र क्या है? देखिए, दोनों देशों के अंदर परस्पर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, भारत और नेपाल के संबंधों के अंदर
कभी संशय का भाव नहीं आना चाहिए। एक दूसरे की मित्रता के अंदर शक और शुबा नहीं होना चाहिए। जब हम दिल खोल के आपसे मिलते हैं तो आप भी दिल खोल के बात करिए। हम दिल खोल के बात करेंगे आपसे, आज पॉजिटिव आई से देखेंगे नेपाल वाला संबंध। अगर हम आपको हाथ खोलकर अपने दिल से लगाते हैं तो आप भी दिल खोलकर हमें अपने दिल से लगाकर अपना भाई मानिए। जो संबंध भारत और नेपाल के हैं वो नेपाल और चीन के नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। हम दोनों राष्ट्र मिलकर नेपाल और भारत को समृद्धि, विकास और सब नेपाली जनता और भारतीय जनता का साझा एजेंडा है। विजय ज्वाली जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।